Hey guys, once again we are back with another vlog. तो आज हम जा रहे हैं RR310 अपनी सर्विस कराने की, और ये सर्विस है 20,000 किलोमीटर की, जो कि फिफ्थ सर्विस है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए भाई, क्योंकि हमें थोड़ा अपॉइंटमेंट का सिस्टम था, तो हमने अपॉइंटमेंट ना लेके हमारा सीधा सिस्टम, तो हमने सीधा बुक करा दिया था पहले से ही। फिर आते थोड़ी सी भाई से बहस होती है। बहस क्या है? मतलब भाई बोलता है अरे नहीं आप उधर से जाइए, ये करके वो करके। मैं क्या भाई, मेरा पहले से अपॉइंटमेंट था। तो ऐसे थोड़ी सी बात करने के बाद भाई इन्होंने सीधा परमिशन दे दिया भाई हमें, अंदर जाओ भाई आप बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर हम उठाए अपना गाड़ी गियर डाउन करके सीधा चल दिए भाई। अरे भाई यार फाइनली हमें 10-15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी बाइक लग चुकी है रैंप पे। आई थिंक मैकेनिक भाई है वो है, और रमन भाई कुछ ये है, देख लो कुछ ऐसी है, अनरैप वो नेक्ड, किसी को उठा के नेक्ड कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसके चैन को। फ्रंट सॉकेट है उसके लिए भाई, पूरी गाड़ी में भाई पूरी बाइक में एलएनजी लगा रखी है, पैसे में कोई बचत नहीं की इन्होंने, बिल्कुल अंधा पैसा फूका इसमें। अगर बात करते हैं इसकी क्लीनर की, तो भाई ये मॉड्यूल का C1 क्लीनर है भाई, अच्छी क्लीनर है, क्योंकि भाई कोई भाई इनको चल बिंदास चलता भाई, और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जब तक आपकी चेन प्रॉपर क्लीन नहीं होगी, तब तक बंद नहीं होता भाई। कितने का होगा कूलेंट? 400। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इंजन फ्लैशिंग का। अगर इंजन फ्लैशिंग नहीं पता किसी को तो बता दो, इंजन फ्लैशिंग इसमें मॉड्यूल के 2 50 ml के पॉज डाल रखे हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एक बाइक को आइडल टाइम 10 मिनट के आइडल टाइम पे छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ही भाई उसमें टच नहीं करना होता, बिल्कुल वो एक आइडियल टाइम कंटिन्यू टाइम स्टार्ट रहता है। पहली भाई लोग एक और खूबसूरती आ गई भाई की हमारी बाइक का मास्टर सिलेंडर खराब हो गया, जबकि हमने पहले तो ब्रेक पैड थे, मुझे लगा भाई ब्रेक पैड डाउन करिए तो उसकी सिलेंडर के लिए पूरा रिस्टार्ट हो रहा है। भाई रमन भाई ने बताया कि भाई इसका मास्टर सिलेंडर खराब हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह से पंप नहीं करता, इसकी पंप सीटी फट चुकी है, तो इसकी वजह से प्रेशर नहीं बना पाए, प्रेशर नहीं बना पाया तो उस चक्कर में फिर कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो डालो भाई और क्या, एक बार फटका लगने वाला भाई। अच्छा इसका जो मास्टर सिलेंडर था वो फिर से पंपिंग करके प्रेशर होता है, पहले पूरा निकलता है उसके बाद ऑयल निकलता है, उसके बाद फिर पूरा खाने होने के बाद भाई उसके बाद फिर ये करके पंपिंग करने के बाद मतलब ये चल रहा भाई, उससे अप्रॉक्सीमेटली ऑयल भी खराब होता है हमारा, जो ऑयल होता है ना जो .3 और .4 हमारे बाइकों में जो डिस्क ब्रेक के लिए काम करता है, तो ये भी भाई खराब होता है, इसमें काफ़ी सारा था हमारा भाई रावण भाई ऑयल जो खराब था भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज हमारी इसमें जो की है, तब तो देख रहा है ये साइड से टंगा हुआ भाई, ये टूटा नहीं है भाई, ये है गियर लीवर, जो गियर लीवर की ग्रीसिंग ऑयल वगैरह होती है इसमें। तो उसमें क्या है, जैसे आपके गियर फंसते हैं, गियर फंसना और मामूली जो जर्क वगैरह आता है, थोड़ा सा कुछ
इंटेंशन या फिर कुछ मस्ट की और रस्टी हो जाता है कभी कभार या फिर कुछ मट्स वगैरह फंस जाती है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर फिर इसमें रहती है क्या डीजल से ये लोग पहले साफ करते हैं उसको, क्लीनर भी मारेंगे, क्लीनर मारने के बाद फिर इसमें ग्रीसिंग करेंगे। और ग्रीसिंग नॉर्मल ग्रीसिंग नहीं है भाई, जेल वाली ग्रीसिंग होती है जो कि डस्ट में ख़राब भी नहीं होती और जल्दी इतनी वो नहीं होती भाई। तो आपके सामने जैसे देख लो भाई, हमारा मन भाई पूरा क्लीन करके दिया भाई, उसके बाद होता है फिर चालू हो जाता भाई। तो मिलते हैं फिर से कभी कभी, क्या होता है भाई आपको जैसे आपका आप ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक के होती हैं और बाइक नोइंग नेक्ड में भी आती है, वाइब्रेशन के इशू आता है भाई, तो उसमें सबसे मेन रीज़न होता है आपके नट्स, जो जिससे नट्स होते हैं ना, और ये जो नट्स की जो इसमें जो स्पोर्ट्स बाइक की वो किसी रेंज वगैरह से नहीं भाई, एक मैक्सिमम टॉर्क आता है इसमें 100, जो कि ये रमन भाई लगा रहा हमारा इसमें जो 100 उसका टॉर्क लगता है भाई, तभी उतना उससे ज़्यादा आप राइड नहीं कर सकते हो। तो एक ये मेजरमेंट होती है इस बाइक की, और भी बाइक की सारी मेजरमेंट अलग अलग होती है भाई, पर भाई हमारे बिल्कुल काला निकालने का ऑयल फिल्टर है भाई, इसमें लगता है मारुति वाला ही ऑयल फिल्टर, बिल्कुल काला। हाँ भाई रियलिटी वाला इसमें मारुति 800 का ऑयल फिल्टर है भाई, रेनॉल्ट की कंपनी का निकालता हूँ भाई। उसके बाद ये ऑयल ट्रेन ऑयल एलंकी के अलावा नॉर्मल बोल्ट कोई नहीं, सारा एलंकी दे रखी है भाई, तो आप कहीं अगर इंडिविजुअल ख़राब होती तो आप कहीं दिखा भी नहीं सकते, आपको एक एक्स्ट्रा एलंकी कैरी करनी पड़ती है। फिर इसमें एक पार्सल लगता है भाई, हर टाइम एक पार्सल चेंज होता है, पार्सल एक अमेजिंग कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद ये रमन भाई ने ये 12 नंबर का, इसमें से आवाज़ आ रही है आप सुनना गौर से, ये सुनना ये होती है इसका ऑयल, जो कि